2 जून 1995 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका था। राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक नया व्यक्ति बैठने वाला था, राज्य को उसका नया मुखिया मिलने वाला था। राजभवन में नए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही थी। कैलेंडर में दिन बदला, 3 जून 1995 की तारीख तय हुई। इस दिन दिल्ली सरकार में सामान्य टीचर की नौकरी कर रही, यूपीएससी परीक्षा देकर कलेक्टर या एसपी बनने की चाह रखने वाली एक महिला, एससी समुदाय की एक महिला ने देश की सबसे बड़े और सबसे जटिल राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। जब तक मैंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का भार नहीं संभाला था, तो उस समय मैं केवल मेरे पर जो जिम्मेवारी थी बहुजन समाज की थी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में जब तक मुझे इसकी पूरी जानकारी थी नहीं कि भाई इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर राजनीति बहुत ज़्यादा हावी, इसका जब तक मुझे एहसास नहीं था, तो तब तक तो मैं सोचती थी कि भी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार। किस्से कहानियों की ये अपनी एक दुनिया है, अपना चैनल है। यहाँ मेरी कोशिश होती है आपसे बतियाने की, माध्यम होते हैं कुछ नए पुराने किस्से। आप इन किस्सों से जुड़ जाते हैं तो मजा दुगना हो जाता है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, मैं तो कहूँगा कि बढ़ाए रखिए, ताकि आपके लिए आने वाले दिनों में और बहुत कुछ मैं यहाँ ला सकूँ। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल अपन आज के किस्से पर लौटते हैं। अभी तक आप इतना तो समझ ही गए हैं कि आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की कहानी हम सुनने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1956, तारीख 15 जनवरी, राजधानी दिल्ली का रकाबगंज इलाका सरकारी विभाग में बतौर अपर डिवीजन क्लर्क काम कर रहे प्रभु दयाल के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। प्रभु दयाल पिताजी जिनके माता राम रति बतला, चंदावती नाम असली है, मायावती का हम बतलाए, दो बहन और छह भाई। बच्ची का नाम पड़ा मायावती। पिता मायावती को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन लड़की ने बड़े होकर राजनीति को चुना। मायावती ने अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करके कॉलेज में दाखिला लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद मायावती गाजिया के बीएड स्कूल में डिग्री हासिल करती हैं, और ये सब करने के बाद वो दिल्ली सरकार में बतौर एक सरकारी टीचर काम करने लगती हैं। इस नौकरी करने के साथ साथ वो साइड में यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं, जैसे उनके पिता चाहते हैं। मतलब यहाँ तक मायावती की जिंदगी ठीक वैसे ही चल रही है जैसे एक आम युवा की चलती है। तब भी ऐसे ही चलती थी, ज्यादातर युवाओं की जिंदगी तो ऐसे ही चलती है, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, जरूरत लगे तो बड़ी नौकरी के लिए साइड में तैयारी, यही सब तब मायावती की जिंदगी में भी चल रहा था। लेकिन युवा मायावती की इस आम सी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। साल था 1977। हुआ ये कि तब पंजाब में जन्मे और पूरे देश में दलितों के हितों के लिए काम करने की चाह रखने वाले क्रांतिकारी नेता काशीराम एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे। जिस कार्यक्रम में काशीराम चीफ गेस्ट थे, इसी कार्यक्रम में मायावती ने मंच से भाषण दिया। काशीराम को उन्हीं के समाज की इस लड़की का अंदाज भाषण पसंद आया, लिहाजा उन्होंने युवा मायावती को मिलने के लिए बुलावा भेज दिया। मायावती काशीराम से मिलने पहुंची। बातचीत के बीच में जब काशीराम ने मायावती को अपने संगठन से जुड़ने का प्रस्ताव दिया, तो युवा मायावती ने अपना प्लान बताया, यूपीएससी करने वाला प्लान। तब काशीराम ने मायावती से कहा, वो आईपीएस आईएएस बनकर समाज का उतना भला नहीं कर सकती हैं जितना भला वो नेता बनकर कर सकती हैं। कुछ जगहों पे यह भी लिखा गया है कि काशीराम ने कहा कि तुम नेता बन जाओ, मैं तुम्हारे आईएसओ की भीड़ लगा दूंगा। मायावती को ये बात जम गई और वो काशीराम के साथ उनके संगठन ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन BAMCEF संगठन से जुड़ गई। तब यही वाला संगठन था जिस BSP को आज हम जानते हैं। उनका गठन तो काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को किया था। धन्य काशीराम वाजीवा, धन्य काशीराम वाजीवा, धन्य काशीराम।
तो आप देख रहे हैं कि साल 1977 के बाद से मायावती का जीवन पूरी तरह से बदल गया। 1977 से पहले वो एक सरकारी टीचर थी, बहुत मेहनत करती तो शायद आईएएस या आईपीएस बन जाती, क्योंकि वो इसकी तैयारी कर रही थी। लेकिन काशीराम के संगठन से जुड़ने के बाद वो सम्मेलनों में जाने लगी, संगठन का काम करने लगी, अपने समुदाय को एकजुट करने की जुगत खोजने लगी। कहने का मतलब कि यहां से उनकी जिंदगी, मायावती की जिंदगी, युवा मायावती की जिंदगी नेताओं वाली शुरू हुई। अब मायावती नेता बन गई तो चुनाव भी लड़ना है। वो नेता ही क्या जो चुनाव न लड़े या जिसमें चुनाव लड़ने का चस्का न हो, इच्छा न हो, ठीक है। तो मायावती ने अपना पहला चुनाव लोकसभा का लड़ा, साल था 1984। इस चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली, वो तीसरे नंबर पर रही। चुनाव में उन्हें जरूर 9.94% वोट मिला, जो किसी भी पहले उम्मीदवार के लिए, ऐसे उम्मीदवार के लिए जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है, बड़ी बात थी और आज भी बड़ी बात है। इसी चुनाव से मायावती की चर्चा शुरू हो गई। इस चुनाव के लगभग एक साल बाद साल 1985 में यूपी के बिजनौर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, क्योंकि बिजनौर लोकसभा सीट के तत्कालीन सांसद गिरधारी लाल का निधन हो गया था। इस चुनाव में मायावती उतरी। उस चुनाव में, जिस चुनाव में दूसरी बार मायावती उतर रही, उनके सामने तब मीरा कुमार, जगजीवन राम की बेटी स्वर्गीय रामविलास पासवान उम्मीदवार थे। चुनाव का रिजल्ट आया तो मीरा कुमार चुनाव जीत गई और इस तरीके से मायावती फिर तीसरे नंबर पर रही। लेकिन इस बार उन्हें 18% वोट मिले और ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये बड़ा उछाल था, माफ करिएगा। पहले चुनाव में 9.94% वोट मिले थे, दूसरे चुनाव में 18% वोट मिले, लगभग दोगुना। और इस बड़ी बढ़त की वजह से मायावती को लेकर, काशीराम की कोशिशों को लेकर हर तरफ चर्चा होने लगी। राज्य की राजनीति में नए चेहरे और एक नई पार्टी के आने की आहट अब पहले के मुकाबले ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। इस उपचुनाव के करीब चार साल बाद, साल 1989 में यूपी विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हुआ। कुछ महीने पहले बनी बीएसपी 372 सीटों पर चुनाव लड़ी, तब राज्य में विधानसभा की कुल 425 सीटें थी। तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ था। रिजल्ट आया तो बीएसपी राज्य की 13 सीटें जीत चुकी थी। चुनाव रिजल्ट के बाद बीएसपी ने मुलायम सिंह यादव की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा के भी चुनाव हुए। उस साल बीएसपी संस्थापक कांशीराम इस लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़े। वो अमेठी से लड़े, जहां उनके सामने उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी उम्मीदवार थे। दूसरी सीट के तौर पे वो ईस्ट दिल्ली सीट से चुनाव लड़े, जहाँ एक बड़े कांग्रेसी नेता और इंदिरा गांधी के करीबी केंद्रीय मंत्री हरकिशन सिंह भगत उम्मीदवार थे, एचकेएल भगत। इस चुनाव में काशीराम दोनों सीटों से चुनाव हार गए, लेकिन मायावती अपने एक सीट से लोकसभा का चुनाव इस साल जीत गई। इस चुनाव में मायावती भी काशीराम की तरह 2 सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ी थी। एक सीट थी हरिद्वार, जो अब उत्तराखंड में है, और दूसरी सीट थी बिजनौर। मायावती बिजनौर लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा सदस्य बनी, मतलब सांसद बनी। जब वो पहली दफा सांसद बनी तब उनकी उम्र थी महज 33 साल। मायावती संसद तो ठीक पहुंची, लेकिन महज 16 महीने बाद 9वीं लोकसभा भंग कर दी गई। देश 10वें आम चुनाव के मुहाने पर खड़ा था, जो कि मध्यावधि चुनाव था। ये जो दौर था वो 1991 का दौर था, जब देश में मंडल और मंदिर का माहौल गर्म था। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद और मंडल आयोगों की सिफारिशों को लागू करने के विरोध में और पक्ष में ये चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में एक नई दोस्ती हुई। वो दोस्ती थी मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के बीच। और इस राजनीतिक दोस्ती की सबसे बड़ी निशानी ये है कि बार बार चुनाव हार रहे कांशीराम मुलायम सिंह की मदद से 1991 में पहली दफा सांसद बने, और सीट थी इटावा। इस सीट से बिना मुलायम सिंह की मदद से कांशीराम का चुनाव जीतना मुश्किल था। मुलायम सिंह और कांशीराम के बीच पनपी इस नई राजनीतिक दोस्ती का ही नतीजा है कि 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांशीराम की बसपा और मुलायम सिंह यादव साथ मिलकर के चुनाव में उतरे। दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ। 256 सीटों पर चुनाव लड़कर मुलायम सिंह 109 सीटें जीत सके। वहीं 164 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बसपा के 67 विधायक तब विधानसभा
पहुंचे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और बसपा ने सरकार का समर्थन किया। इस सरकार में सहयोगी होते हुए बसपा ने अपने समाज के हित में कई काम करवाए, जिससे उत्तर प्रदेश के दलित वोटर्स को यह साफ संदेश गया कि बसपा ही उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन साल 1993 से 1995 के बीच दलित उत्पीड़न के कुछ मामले राज्य में हुए और इसे तब मीडिया ने खासी हवा दी। दलित उत्पीड़न के इन ज्यादातर मामलों में जो आरोपी समुदाय था वो यादव समुदाय के लोग थे, लिहाजा कांशीराम पर तब दबाव बना और आखिरकार 31 मई 1995 को मुलायम सिंह यादव सरकार से बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 1 जून 1995 को सरकार बर्खास्त कर दी गई। लेकिन इन सबके बीच में एक पार्टी ऐसी भी थी जो इस आपदा में अवसर तलाश रही थी, समर्थन का अवसर तलाश रही थी। जब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम में झगड़ा हुआ, समर्थन वापस हो गया, तो बसपा को सरकार बनाने का न्योता भारतीय जनता पार्टी ने दिया और 3 जून 1995 को यूपी की पहली दलित मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती ने राज्य की कमान संभाली। तब ये इतनी बड़ी घटना थी कि पूर्व मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मायावती के उदय को लोकतंत्र का जादू कहा था। खैर, लोकतंत्र का ये जादू ज्यादा दिनों तक नहीं टिका, क्योंकि बीजेपी और सपा का रिश्ता आने वाले दिनों में बिगड़ गया। सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही अक्टूबर में बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। मायावती मुख्यमंत्री नहीं रही। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती दूसरी बार 1997 में फिर मुख्यमंत्री बनी, लेकिन फिर अपना टर्म पूरा नहीं कर सकी। तीसरी बार वो 2002 में मुख्यमंत्री बनी और इस बार भी सरकार 5 साल नहीं चला पाई। 5 साल से पहले ही उनकी सरकार रसातल में चली गई। चौथी बार जब वो मुख्यमंत्री बनी तो अपने दम पर बनी और पूरे 5 साल 2012 तक राज्य का शासन चलाया। तब सोशल इंजीनियरिंग की पहली दफा बात हुई थी, मुझे याद है। तो ये थी पूरी कहानी, पूरी ना भी कहें तो मायावती की जिंदगी के ऊपर एक अच्छी खासी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर वाला हिस्सा मैंने बहुत विस्तार से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और मुझे लगा कहीं आप लोग बोर ना हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानियों को इससे ज्यादा भी विस्तार से बताया जाए तो कमेंट करके बताइए साहब, हम बनाएंगे और आप देखिएगा। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, ये किस्सा हाल ही में प्रकाशित अंग्रेजी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पर आधारित है। इस किताब में पत्रकार श्यामलाल यादव ने राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों पर विस्तार से लिखा है। किताब का कवर स्क्रीन पर दिख रहा है। किससे कहानी सुनते रहिए, लेकिन किताबें भी पढ़िए अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।